हेलो माय फ्रेंड्स, मैं शशांक वंस अगेन आप सभी का वेलकम करता हूं एक और फ्रेश न्यू वीडियो में। जैसा आप सभी को पता होगा कि अक्टूबर महीना साल का सबसे इंपॉर्टेंट महीना होता है कि जिनको सबसे ज्यादा बिगेस्ट डिस्काउंट चाहिए होते हैं ऑनलाइन सेल पे, और आपको सबसे फाइनेस्ट, सबसे धमाकेदार और सबसे बिगेस्ट सेल भी देखने को मिलते हैं इस महीने में। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अक्टूबर महीना चंद दिन ही रह गए हैं कि इसमें कौन कौन से फाइनेस्ट सेल आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही बताऊंगा कि सबसे बेस्ट आपके लिए कौन सा रहेगा सेल। और सबसे बड़ा डाउट आपका है कि कौन कौन से बैंक ऑफर देखने को इस महीने में आपको देखने को मिलेंगे फ्लिपकार्ट पे, वो भी बताऊंगा। साथ साथ क्रेडिट और डेबिट कार्ड पे लिमिट भी बताऊंगा कि इंस्टेंट डिस्काउंट की लिमिट कहां तक होगी। तो आपसे एक ही उम्मीद है और एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो माई फ्रेंड्स, अगर आपको Amazon द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के बारे में जानना है, मतलब सेल डेट के बारे में जानना है, तो ये वीडियो जाके देखिए, बहुत ही प्यारी वीडियो है। सेकंड, अगर आपको ये जानना है कि किस किस कैटेगरी पे कितना डिस्काउंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऑफिशियली किस किस प्रोडक्ट कैटेगरी पे आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा, तो ये वीडियो जाके देखिए, दोनों वीडियो बहुत ही प्यारी है। रही बात थर्ड वीडियो द बिग बिलियन डेज, आपको पता है कि उसका डेट कब होगा, तो वो देख लीजिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ये जानना चाहते हो कि स्मार्टफोन के प्राइसेस क्या होंगे, तो 50 प्लस स्मार्टफोन के जो प्राइसेस है, एक्सपेक्टेड प्राइस की कितना प्राइस ड्रॉप होगा, उसके लिए स्पेशल वीडियो रिसर्च करके बनाई है। और साथ साथ आईफोन लवर जो है उनके लिए अलग से एक वीडियो बनी है, आईफोन के खाली इसमें प्राइस मैंने रिवील किए हैं। तो रहने का मतलब, चार जो ये वीडियो है सबकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपके कन्वीनियंस और सहूलियत के लिए मैं रख दूंगा, जाके जरूर चेकआउट करिए। वैसे हमारे चैनल पे भी अवेलेबल रहेगा। रही बात अक्टूबर महीने में फ्लिपकार्ट पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो देख लीजिए, अगर बिग बिलियन डेज एक या दो तारीख को नहीं आती है, तो पहला सेल होगा सुपर सेवर डेज, जो कि हर महीने एक से तीन तक आता है। एक लाइन में देखना भी नहीं आपको इस सेल के बारे में, अगर आता है पूरा इग्नोर करना है। क्यों? जब बिग बिलियन है मेरे भाई, जब आपको मतलब लूट सको तो लूट लो वाला कंडीशन मिल रहा है, साल की सबसे बड़ी सेल मिल रही है जैसा प्राइस कोई मैच नहीं कर सकता, तो इस सेल के बारे में भी बात करना एक तरह से वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये हर महीने एक से तीन तक आती है, इसमें डेली एसेंशियल जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर ठीक ठाक डिस्काउंट होता है, तो इसको मैं आपको सलाह देता हूं कि एकदम स्किप करना है। सेकेंड सेल जो आने वाली है वो बिग बिलियन डेज है, हाँ आपने सही सुना, और जिसका आप सुनना भी चाहते हैं। देखिए, अभी तक जो डेट आ रही है वो 7 तारीख, और अगर आप प्लस मेंबर हैं तो 6 तारीख से, तो 6 अक्टूबर से लेकर 12 या 11 अक्टूबर तक है। और अगर उस दिन नहीं आती है तो इधर उधर थोड़ा हो सकता है, लेकिन अभी तक सबसे ज्यादा रूमर्स इसी डेट के हैं। वैसे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं स्पेशल, जिसपे मैं पूरे डेट रिवील करूंगा। रही बात, आप मुझसे पूछिए कितनी बड़ी सेल होती है, भाई देखो इसका मैच कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, ये एयरपॉड्स हैं, आज भी आप इनके प्राइस जाके देख चेक कर लीजिए, आप किसी ऑफलाइन पे चेक करेंगे तब भी 19 या 20 हजार से कम नहीं मिलेगा, और अगर आप बात करें ऑनलाइन की तो आपको ये 19 हजार से कम नहीं मिलेगा, और मैंने ये 16,249, और भाई जब ये लॉन्च हुए थे तब लिया था मैंने, आप समझ सकते हो, मतलब पिछले बिग बिलियन में, तो 16,250 रुपया आज तक कोई मैच कर पाया। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा बिग बिलियन डेज का इंपॉर्टेंस। तो इसमें देखिए बैंक ऑफर कौन कौन सा आया वो तो मैं बाद में बता दूंगा, मेरा यही कहना है कि बिगेस्ट डिस्काउंट इन एनी कैटेगरी आपको मिलेगा, ठीक है, ज्यादा मत सोचिए, ज्यादा समय हम बर्बाद इस बारे में नहीं करेंगे, बिगेस्ट डिस्काउंट होता है। मोर डिटेल के लिए बहुत सारी वीडियो, 10 वीडियो बना चुका हूं इस टॉपिक पे, तो जाके देखिए। वैसे मेरा कहना है जो मैंने बता दिया, ये बिगेस्ट सेल होती है, इसके आसपास भी कोई नजर नहीं आता। अच्छा, इसके बाद, क्योंकि ये सेल तो खत्म होने के बाद, जस्ट जब 15 तारीख को दशहरा है उसके 4 दिन बाद आपको देखने को मिलेगी बिग दिवाली सेल। देखिए, बिग दिवाली सेल भी एक अच्छी सेल होती है, लेकिन मैं फिर से बोलना चाह रहा हूं, मेरी बात को जब आप जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, बाद में आप मुझे मैसेज करोगे, क्या मैसेज करोगे कि भाई ये आपको कोई नहीं बताएगा कि अगर आपने बिग बिलियन में कोई सामान मिस किया और बिग दिवाली सेल में आप गए लेने, तो आपको अपने पे बहुत रिग्रेट होगा, क्योंकि ये सेल ना बिग बिलियंस के अगर आप कंपेयर करें
तो बहुत बेकार सेल होती है, मतलब उसके सामने तो कहीं टिकती ही नहीं है। आप बड़े सेल बोल सकते हो, बिग दिवाली सेल, लेकिन बिग बिलियन के सामने कुछ भी नहीं होती है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। हाँ ये सेल सही है, लेकिन अगर आपको इतना बड़ा चांस मिल रहा है तो उसको गंवाना क्यों मेरे भाई। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसा कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं 8 ईयर से उस चीज को कंपेयर कर रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं, फिर मैं आपके सामने बोल रहा हूं ये बात। आप भी ये सोच लीजिए, उसके बाद मुझे बताइएगा सेल आने के बाद मैं गलत था या सही। रही बात अगर आप मुझे बोले बिग दिवाली सेल कब आएगी, तो भाई ये 19 अक्टूबर से आने की उम्मीद है और ये 24 तक ये चलेगी। उसका लॉजिक है मेरे भाई, 4 नवंबर को आपको दिवाली है, तो बताइए जो भी आप दिवाली के दिन तो कोई ऑर्डर करोगे नहीं, उसके पहले ऑर्डर करोगे, और आपको पता है कितने सारे लोग ऑर्डर करते हैं राइट, तो उनको डिलीवर करने के लिए उनको 7 दिन तो चाहिए, तो इसी नाते वो दिवाली के 7 से 8 दिन पहले ही ये सेल क्लोज करते हैं, क्योंकि उनको भी डिलीवर करना होता है। रही बात आप मुझसे पूछिए और कोई सेल, हाँ एप्पल डेज भी आपको बीच में कहीं ना कहीं चिपका देंगे, वो जिस दिन भी उनको सेल नहीं मिलेगा वो रख देंगे। रही बात एप्पल डेज की, तो ये एक सिंपल सेल होगी, मेरा वही बोलना है जब बिग बिलियन डेज आ रही है तो किसी भी सेल को आप बिल्कुल कंसीडर मत करिएगा। इसमें एप्पल प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट मिलेगा, आईपैड्स की बात करिए, क्या नाम है आप ईयरफोन मतलब एयरपॉड्स की बात करिए, अगर आप कुछ भी बात करें फोन की, सब पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन एवरेज डिस्काउंट मिलेगा। और रही बात लास्ट में आपको देखने को मिलेगा मोबाइल बोनांजा सेल, ये भी एक अच्छी सेल होगी, लेकिन अगेन जब आपको बिग बिलियन डेज है तो इसके बारे में देखना भी नहीं है, कंसीडर नहीं करना है, एक एवरेज से डिसेंट डिस्काउंट रहेगा। लेकिन अगेन वॉर्न कर रहा हूं, अगर पैसे का जुगाड़ नहीं हो रहा है जुगाड़ कर लो मेरे भाई, लेकिन एक बार ये मौका गया तो आप पूरे साल भर पछताओगे, और मैं नहीं चाहता मैं बार बार ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, देखिए मेरी कंडीशन इस समय यहां बहुत वो है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप 1% की भी मिस्टेक ना करें, यही सब था। और रही बात सेकंड सेगमेंट पे बढ़ते हैं, देखिए मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन यही है कि आपको बिग बिलियन पे ही फोकस करना चाहिए, और रही बात अगर आप मिस कर देते हैं तो सेकंड आपको प्रेफर करना चाहिए बिग दिवाली सेल। अब सेकंड सेगमेंट की तरफ हम बढ़ रहे थे कि कौन कौन से बैंक ऑफर देखने को मिलेंगे, तो जैसा आपको पता है कि बिग बिलियन में एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में आपको ऑफर आ रहा है राइट, ये तो कंफर्म हो गई, ये तो वेल नोन है। सेकंड कौन सा और आ सकता है, तो देखिए सेकंड एसबीआई के अब चांसेस हैं, एसबीआई और एचडीएफसी, यही तो बैंक आने की उम्मीद है, मतलब आपको बिग बिलियन में देखने को शायद मिल जाए। रही बात लिमिट्स की, तो आपको क्रेडिट कार्ड पे 1500 तक का मैक्सिमम और डेबिट कार्ड पे आपको 750 से 1000 तक का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। रही बात आप मुझसे पूछे कि करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए कि आप अपना जुगाड़ करना स्टार्ट करिए कि आपको आईसीआईसीआई बैंक कहां से आप कार्ड अरेंज कर सके या एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड कहां से अरेंज कर सके। तो आपको अगर लगता है कि हमारी शिद्दत में, हमारे बोलने के तरीके में, और अगर हमारे इंफॉर्मेशन में ऑनेस्टी है, तो हमारी इस प्रोटेक्ट फैमिली को ज्वाइन करिए, सपोर्ट करिए, जिससे हम और अच्छे तरीके से ग्रो करें और हम ऑनेस्टी और ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा पाए। और अगर ये नहीं करते कोई बुरा नहीं लगेगा, आप अगर वीडियो शेयर कर सकते लाइक कर सकते तो वो करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, अगर वो भी नहीं करते हैं कोई बात नहीं, अपना और अपनी फैमिली का वैक्सीनेशन कराइए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ ग्रेट टाइम।